मरत, सब कोई राशन में मरत। हाँ भैया उनको दे दो, उनको उतार दो। हाँ दे रहे हैं, दे रहे हैं। आप इधर देखो, अच्छा देखो, अच्छा देखो, का 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 इधर देखो, ये देखो। लाइट पड़े अब यहाँ, हमेशा कैमरे के बैक छा लाइट आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, हाँ खड़े हो जाओ बाहर। अगर ज्यादा होता देखने लायक सब चीज देखने लायक। मिले मिले भैया, मिले वो मिले हैं, वही उनको दुकान दिखाने गए हैं। या साथ में आ रहे हैं, इनका क्या नाम था? प्रशांत। हैं? प्रशांत। प्रशांत, अब आपका नाम अजय? अजय। हाँ हाँ, कल हम 10 बजे आएंगे, 10:10 लोगों से बातचीत कर देंगे। हाँ आएंगे कल, सुबह वाला काम बड़ा अच्छा होता है। दिन में अब भाई जितना सामान हो सफा, अब रात के अंधेरे में यहाँ जाओ वहाँ जाओ, सब और लोग जब थकते हैं जो आज आ जाते हैं सब। अस्पताल में आते ही मर गया? नहीं, हमारा दोस्त गया था तो वो ऑपरेशन वेशन करवाया था, जीत दिया था। हाँ हाँ, तो हमारे क्यों वही बता रहा था, गए थे कायदे से सरकार को ये सारे गौशालाओं को जो ग्रांट देती है सरकार, उसको बंद कर देना चाहिए। है तो वही बता रहे थे, 3-4 दिन पहले सड़क पर इलाज किए थे। हाँ दुर्दशा है, कहीं नहीं जिसके अंदर दया नहीं है, जिसके अंदर दया नहीं है सुई के नोक बराबर,
उसके ऊपर सुई के नोक बराबर भगवान कृपा नहीं कर सकते। आप किसी धर्म के हैं, किसी मजहब के हैं, नोट कर, क्योंकि भगवान सभी एक। ए हट हट, जाओ 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 हट, आप जाइए आप जाइए हट। इनको दे दीजिए, ये आपने बड़ा दिमाग लगाया। चलिए ठीक है साहब, कल से हम यही हमारी कोशिश होगी। दिन में एक तो ज़्यादा है, छोटा दिन बहुत दिन चलेगा। अच्छा गर्मियों में आपका कोचिंग का क्या टाइम होगा? वो हम बता देंगे। अच्छा, गर्मियों हम लोग फ्री हो जाएंगे। हमारी तो रहती है 11 बजे से। अच्छा, 11 से 2, फिर शाम को रहती 6 बजे से। गर्मियों में अच्छा करेंगे, एकदम सवेरे। हाँ, गर्मी तो सुबह 7 बजे हम लोग। दिन में आने से होता, जैसा माल बढ़ा, यहाँ दे दिया, वहाँ दे दिया, वहाँ दे दिया। रात में ये बेचारे देखिए, अब वो हमारे डर के वहाँ बैठा है। अब वहाँ अगर हम जाएंगे, वहाँ सब कांटे कांटा पड़ा है। आप लेके जाओ और भैया नीचे कांटा काट के कमीनों ने फेंक दिया है। बेचारे कुत्ते टाइप के है ना, यहाँ से कुत्तों कमीनों के हमारे देश में कमी नहीं, भरे पड़े हैं कांटा। अरे कांटा है, उसको जला दो, कहीं किनारे कर दो। जानते हो लोग उसी में टट्टी भी जाते हैं, जानते हुए कि बाबा यहाँ आता है बंदर। कल भैया याद करके हम लोग आएंगे दिन में, यहाँ कांटे को जला देना। थोड़ा कांटा है, छिल्ली है, या माचिस ले आएंगे, लेके जला देना। हम एक अच्छा काम कर रहे हैं कि मानसिकता लोगों की बन गई है, क्या पामे कितना सड़क पर कब्जा कर लें। दादा साफ करा देंगे, आप कहे चिंता कर। अच्छा अच्छा, काम खत्म, आप बोलो। नहीं नहीं, अच्छा ये तो आपको हनुमान जी ने ही भेजा है, नहीं अकेले। नगर पालिका अब तो हमारा ही है। अच्छा अच्छा, हो गया। कल से अब हम लोग टीम में आएंगे, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसी से लोग सीखिए, जानिए। हाँ, लोगों को मैं यही बताता हूँ। अच्छा, कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं कि बाबा आप सही कहते हैं कि इनको देख के ही हनुमान जी की मूर्त बनी। हाँ, सुबह वाली हमको बड़ी हंसी आ गई। भुवन जी, हाँ और ले जाओ, ए सुनो, इसको ले जाके दीवार पर रखो। हाँ 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 हाँ, आप लंबे हैं, वहीं रखाओ। सुबह हमारे नाती ने बताया, धमन ने, जो लखनऊ से आया हुआ है, उसने कहा कि इसमें अयोध्या में भगवान को कम्बल ओढ़ाया जा रहा है, वो हंस रहा था। तो हमने कहा देखो भाई, ये यही तो परंपरा है हमारे यहाँ की। अरे बाबा, वो भगवान को कम्बल न ओढ़ाओ, किसी गरीब में देखो जाके, और गरीब में नहीं, वो जो लाइन लगा के बैठे हैं, हर घर पहुँचो, देखो कौन। बहुत से लोग हैं, बड़े आदमी थे, आज मुसीबत के मारे हैं, तो लाइन में नहीं भीख मांग सकेंगे। जो ज़रूरतमंद हैं, वहाँ चुपचाप पता लगाओ, और वहाँ ये मत शो करो कि मैं दान देने आया हूँ। ये बताओ कि यहाँ पर यह भगवान के आदेश से हम लोगों को आदेश हुआ है, आपके पास एक बाबा जी हैं, सब काल्पनिक बता दो। एक बाबा जी ने भैया देखा सपने में, यहीं भेजा है, और उन्होंने कहा यह प्रसाद समझ के ले लीजिए। क्यों जो ये देखिए, आज भी लोग इज्जत, सबसे दुनिया में दौलत इज्जत है, सम्मान है। अब क्या है, आज भी कोई बाबा पकड़े गए, बताओ, रोज़ बाबा पकड़े जाते हैं। बाबाओं की गलती नहीं है, एक करोड़ों अरबों की संपत्ति कांटा तार लगा है, दुनिया लगा है, हमारी विजिलेंस क्या करती है? यानी भाई, विजिलेंस को सरकार पूरी छूट दे दे कि अगर आप ऐसे केस
केसेस पकड़ेंगे तो हम आपकी बड़ी, हम आपको प्रमोशन करेंगे, ये करेंगे। भाई जहाँ चाहे वहाँ रहा है। अब ये हो सकता है कि उसके पहले वाली सरकार के मंत्री लोगों की मिली भक्ति हो, ये भी हो सकता है। इतना सब कुछ हो जाता है, तमाम लड़कियों की मर्डर कर दिया जाता है, तमाम का सील भंग कर दिया जाता है, फिर ये पकड़ में आते हैं। तो हमारा मतलब कि हमारी सरकारी मशीनरी कहाँ सोती रहती है भाई, हैं कहाँ सोती है। और उनको पूरा आप बढ़ावा तो दीजिए, प्राइवेट को दे दीजिए, खाली एक ऊपर आप आधारित न रहे। अब जैसे अब लोग कहेंगे बाबा जी आपकी बात मोदी जी तक नहीं पहुँच पाती है, तो हमने कहा ये नहीं पहुँचती है, ये उनको सोचना चाहिए कि इधर थोड़ा दिखाइए, उनको सोचना चाहिए क्या कि इंदिरा जी, अरे भाई अपने ज़माने की वो शेरनी कहलाती थी, है अब वो धोखा खा गई। अगर इंदिरा जी को पता होता क्यों कोई गाड़ी ले रहा है, कोई पैसा ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है, लोग मालामाल हो गए, उनको धोखा दिया। कोई हो, बुरा से बुरा आदमी हो, कोई हो, तो धोखा मत दो, साफ इनकार कर दो। तो इसी तरीके से लोगों ने यही कहा कि नहीं, हमने कहा देखिए मोदी जी तक हमारी बात को पहुंचाने का मतलब क्या, हमको कुछ चाहिए नहीं, आप बता दीजिएगा। केवल मैं कुछ सिस्टम बदलवाना चाहता हूँ, कुछ सिस्टम बदल जाए। 22-22 लाख ग्रांट वाले जो गौशाला वाले हैं, इनका लाइसेंस जब्त कर दिया है, कोई ज़रूरत नहीं है। जो टूटे फूटे जानवर हैं वही रखे जाएंगे, बाकी कोई चलता फिरता जानवर नहीं रहे, उनको पकड़वाइए, गंगा जी के किनारे छोड़वा दीजिए, गंगा के किनारे जंगलों में। तो अब वहाँ भी कोई व्यवस्था हो, हम कहते हैं थोड़ी व्यवस्था हो, ये कम से कम शहरों में लोगों को छुट्टी तो मिल जाए। रोज़ एक्सीडेंट होता है शहर में, रोज़। अब कहाँ तक हम छेलेंगे। अभी भुवन जी आए हैं, उन्होंने कहा कि एक बछड़ा आया और ऐसा रहा, एक बच्चा मेरे घर में भुवन जी, उस बच्चे के बारे में, हाँ भैया कल हमारी मदद था आप लोग का थोड़ी, उस बच्चे की बारे और जो उसकी माँ के बारे में पता लगाओ, फायर ब्रिगेड के अगल बगल और खुशियाने में। ये भाई एक हफ्ता 10-15 दिन पहले कोई गाय तो ने बच्चा तो नहीं दिया, उसका बच्चा खो गया, मान लीजिए पता लग जाए तो भैया उसको सौंप देंगे अकेले दम से मैं जेल। आज हमारी बेटी बनारस से आई है, आज उसको उसने ताजे से दूध पिलाया है और मंगा करके, भाई हमारी वाइफ जो है बूढ़ी बाड़ी है, अब वो बछड़ा मैं इधर भाग रहा है, उनका मतलब उनके पैर के ऊपर अपना पैर रख देता है। तो भाई अब बुढ़ापे में उनको दिक्कत होती है, उनमें फूर्ती नहीं है। आज हमारी अंजलि बनारस से आई है, उसने पूरा दूध पिलाया उसको, और ये क्या नाम घमन जो है उनका बेटा, वो माँ बेटे मिल के उसको पकड़े, भाई वो ताकत तो उसके आई गया है। तो हमारा मतलब है कि ये भाई आडम्बर से सरकार आडम्बरों के ऊपर अंकुश लगावे, क्योंकि ये सरकार से इस सरकार से अच्छी सरकार नहीं आनी है, और भी आगे बढ़ना है। मोदी जी योगी जी को और आगे आप काम करें, तो ये हम लोग इस देश का सौभाग्य होगा कि जो योगी और मोदी जी आए, हमें साथ सारथी बन के आए, तो बहुत बड़ी बात है। आ गए तो रात का समय है, मैं वाणी को विराम देता हूँ। रात को आज 8 बजे मैं लाइव पर बोलूँगा, 7 बजे या 8 बजे, कभी 7 बजे देख लें, कभी 8 बजे देख लें। तो यही सारी बातों को हम बताते हैं, कहते हैं कि भाई सीखो, जानो, और हमारे मत आप लोग दिन में ना फ़ोन किया करो, रात में करो, सुबह करो। सुबह अब ये नियम मैं बनाता हूँ, सुबह ब्रह्म वेला में भी बाबा बात करेगा, 4 बजे से लेकर आप 7 बजे 6 बजे तक बात करो, 2 घंटे सुबह। अगर नहीं आप सुबह बात करेंगे, दिन में आप फ़ोन करेंगे, हम उठाएंगे। रात में भाई रात में बात करेंगे, बहुत लोग बात करेंगे, मैं बात कैसे करूँगा। मैं वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम।